गेट टावर बिल्डिंग जिसके बीच से गुजरता है एक्सप्रेस हाईवे। जापान के ओसाका में स्थित गेट टावर बिल्डिंग किसी साइंस फिक्शन मूवी की बिल्डिंग का सा आभास देती है। यह विश्व की एकमात्र बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है और ऊपर व नीचे लोग रहते हैं। ओसाका के फुकुशिमा कु स्थित यहाँ 16 मंजिला बिल्डिंग 236 फीट ऊंची है। इसके पांचवे, छठे और सातवें माले के बीच से हेनशिन एक्सप्रेस सिस्टम नामक हाईवे गुजरता है। जगह के इस्तेमाल के कारण प्रशासन बिल्डिंग के मालिक को इन तीन मंजिल का किराया चुकाता है। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है अजुसा सेकेई और यामातो निशिहारा ने। इस गोलाकार बिल्डिंग में डबल कोर कंस्ट्रक्शन किया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट हाईवे के तीन मालों पर नहीं रुकती है। हाईवे बिल्डिंग से सटा हुआ नहीं है, इसके बीच बना ब्रिज हाईवे को सहारा देता है। हाईवे के आसपास एक खास स्ट्रक्चर बनाया गया है जो गाड़ियों के शोर और वाइब्रेशन को बिल्डिंग में जाने से रोकता है। इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। निर्माण की कहानी, इस बिल्डिंग के निर्माण की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1992 में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग का नक्शा 1982 में तैयार किया गया था, मगर इसके परमिट पर रोक लगा दी गई थी। कारण यह कि यहां पहले से ही हाईवे निर्माण की योजना बन चुकी थी, मगर बिल्डिंग के प्रॉपर्टी राइट्स होल्डर ने हार नहीं मानी। 5 साल तक एक्सप्रेसवे कॉरपोरेशन के साथ उनका विवाद चलता रहा। इसके बाद 1989 में सिटी प्लानिंग और हाईवे कानून में कुछ बदलाव लाए गए और इस बिल्डिंग को बनाने की अनुमति मिल गई। यह बिल्डिंग जापानी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है तथा जापान का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।